I am back. Bre, par gaal nahi kadni. तो आ गए आप, कैसे हो भैया? कमाल की है बात, विडंबना है कैसी, देश का स्मार्टफोन निकाल रहे हैं विदेशी। भैया Xiaomi ने लॉन्च कर दिया Redmi 5A, जिसे कहा गया देश का फोन। इसके बारे में क्या है मेरे आचार विचार, क्या कहता है मेरा मन, उससे पहले जान लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं इसके थोपड़े की। 5 इंच की स्क्रीन है, HD डिस्प्ले, 720p, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, पर ये नहीं बताई कौन सी। मेटल लुक मिलेगा आपको, परंतु बॉडी है प्लास्टिक की। प्रोसेसर भी है इसमें, क्वाड कोर 1.4 GHz, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425, 64 बिट के हैं इसमें 8, और GPU मिलेगा आपको एड्रिनो 308। बैटरी मिलेगी आपको 3000 mAh की, जिसमें मिलेगा आपको 8 दिन का साथ। कैमरा 13 MP अपर्चर 2.2 के रियर कैम से आप दूसरे के झगड़े की वीडियो बना सकते हो, और 5 MP के फ्रंट कैम की सेल्फी पर आप कुछ लाइक्स और कुछ गालियां भी खा सकते हो। इसके अलावा आपको चुटर मुटर खटर पटर सारे सेंसर मिल जाएंगे, सही है, परंतु फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। और एक और है इसमें कमाल की बात, इसमें होगी IR ब्लास्टर से आपकी मुलाकात। और भाई इसमें दो वेरिएंट है, एक तो आपको मिलेगा 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो मिलेगा आपको 5,999 रुपये, परंतु पहले 5 मिलियन ग्राहकों के लिए मिलेगा आपको 4,999 रुपये का, यानी 1,000 की आपको छूट मिल रही है। इसके अलावा दूसरा वेरिएंट है जिसमें मिलेगा आपको 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, जो मिलेगी आपको 6,999 रुपये की, और दोनों में ही आप मेमोरी कार्ड ठूस कर 128 GB तक बढ़ा सकते हो। अब मेरा विचार यह है कि यदि आपने बजट बना रखा है, आप 5-6 हज़ार लेके घूम रहे हो कि भाई मुझे एक फोन लेना है, तो भैया ये फोन बजट में बहुत बढ़िया है। या आपने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा कर रखा है तो भी ये फोन बहुत बढ़िया है। अगर 5-6 हज़ार रुपए में आप देखें तो मार्केट में आपको इस कीमत में इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको शायद कोई फोन और ना मिले। मतलब भैया गुड़ कम डालने से भी ज्यादा मीठा हो रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते तो भी थोड़ा भला हो जाता। लेकिन भैया यदि हांडी का मुंह ज्यादा खुला हो ना तो बिल्ली को भी शर्मा जाना चाहिए। इतने में हम नहीं कह सकते यार फिंगरप्रिंट सेंसर भी देते, क्योंकि जिस कीमत में दिया जा रहा है वो बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन है। वैसे देखा जाए Redmi 4A भी ऐसा ही था, लेकिन प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि जितनी कीमत आपसे ली जा रही है उतने का माल आपको दिया जा रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ज्यादा ही दिया जा रहा है। तो इस बजट रेंज में ये जो फोन है बहुत बढ़िया है, मैं पूरी तरह रिकमेंड कर सकता हूं। इस कीमत में चौंकाने वाला है IR ब्लास्टर, शायद कोई और फोन नहीं है जिसमें आपको इस कीमत में IR ब्लास्टर मिल रहा है, जिसके द्वारा आप अपने टीवी का या सेट टॉप बॉक्स का रिमोट भी बना सकते हो। इसे देश का फोन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें भारत की बहुत सारी भाषाएं सपोर्ट करेंगे और इसे देश में ही असेंबल किया जा रहा है। और यदि आप ये सोचते हो ना कि इसके सारे पार्ट भी देश में ही बन रहे हैं, तो घंटा भैया भारत में तो केवल असेंबल होता है, पार्ट तो सारे बाहर से ही बनते हैं। और यदि आपने मन बना लिया है, बना ले हो, तो 7 दिसंबर से आपको Flipkart पर और MI.com पर मिल जाएगा, और इसके जितने भी स्टोर हैं उस पर भी आपको मिल जाएगा। और मेरी शिकायत बस इससे इतनी है कि अर्ज किया है चाइना को बायकॉट करने की लड़ाई हम केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही लड़ते हैं, लेकिन बजट में ऐसा फोन आ जाए तो हम सबसे पहले टूट पड़ते हैं। कबीरा क्या हो रहा है तेरे देश में, क्यों है तू मौन? चाइना लॉन्च कर रहा है देश का स्मार्टफोन, जय माता दी। और मेरे प्यारो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के काले बटन को नीला कर देना, मन करे तो वीडियो को शेयर भी कर देना, दिल की प्यारी प्यारी बातों को मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मेरे नए नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाल नहीं कटनी। भाई चाइना कह रहा है कि देखो भैया 3 तलाक भी हो गए, आपको बाबाओं के चक्कर से फुर्सत भी मिल गई, अब मेरी युद्ध वाली धमकियों को सीरियसली ले लो वरना मैं रो पड़ूंगा। कल्टी केड़ी कुड़ी जेड़ी सानू वेख के नी पाल्टी, मिस कॉलां जोगे फोन विच हुंदे नोट आ, रेड रुड लाइटां वाली आशिकां नू छोड़िया, जिथों सारे रोकदे आ झंडी उथे कड्डनी, बाकी थोनू अगे पता ही आ, गाल नहीं कड्डनी।